ऑल टीचर्स एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 2 वर्ष पूर्व लखनऊ में हुए आंदोलन के दौरान डॉक्टर रामाशीष सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिनकी याद में शुक्रवार को गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पेंशन बचाओ मंच के सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे और डॉक्टर रामाशीष सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह ने कहा, आई पूनम मैम डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, जिला संयोजक अटेवा गोरखपुर। हमारे अटेवा मंच के हमारे साथी डॉक्टर रामाशीष सिंह, उन्हीं की द्वितीय पुण्यतिथि पे आज हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं। अटेवा पेंशन मंच प्रत्येक वर्ष इनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करता है, पिछले वर्ष भी आयोजित हुआ था और आगे भी इनको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद भी याद रखेंगे। पूरा परिवार इनका आज भी समर्पित है हमारे साथ, अटेवा के साथ वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली। हमने अपने साथी को दिया है लेकिन फिर भी हम अडिग हैं कि एक ना एक दिन पुरानी पेंशन बहाल करा के ही दम लेंगे, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अपने मित्र के प्रति।